मालूम मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? सो हे गाइस, और बताओ क्या हालचाल। होपफुली आप लोग बढ़िया होगे। तुम्हारा जबराड भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आपको भी गहिना के कान के नीचे दो बजाने का मन कर रहा होगा ना, क्योंकि आपकी आईडी को गहिना ने बैन कर रखा था बहुत टाइम से और वो लोग सुन नहीं रहे थे। लेकिन हम लोग ने जो कान के नीचे बजाया लेट्स वोट फॉर ओल्ड आईडी एंड बैन जो चला है, वो गहिना के कानों तक पहुँची है। ठीक है, हम लोग ने जो आवाज़ उठाई है वो गहिना के कानों तक पहुँची है। एंड जब आपकी आईडी गहिना अनबैन करेगी ना, तो जो आप लोगों को खुशी मिलेगी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी आईडी एक टाइम पे बैन हुई थी। तो उसको मैंने जब अनबैन कराया था, तो जब मेरी आईडी ओपन हुई थी भाई, जो यादें आई थी, मतलब क्या बताओ। ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा अपडेट्स वगैरह। एंड साथ में एक स्कैम भी चल रहा है, ठीक है, दो तीन स्कैम चल रहे हैं, उन सारे स्कैम्स को मैं एक्सपोज करूंगा। साथ में कुछ यूट्यूबर्स का भी रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इस वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दो। आज का लाइक टारगेट रहेगा 2K लाइक्स। ठीक है, 2K लाइक्स टारगेट कंप्लीट करा देना। सारे बंदे एक एक लाइक करेंगे, आप लोग बहुत प्यार करते हो मुझसे, मुझे पता है। 2K लाइक्स कंप्लीट करा दोगे, करा देना। एंड जिन बंदों ने सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करो यार, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। देखो बाजू में एक बेल आइकन बन गया है, उसको जरूर से ऑल पे डालना। ठीक है, सारे बंदे ऑल पे डालना, तभी होगा एक सक्सेसफुल सब्सक्राइब। ठीक है, तो अभी चलो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर स्कैम के बारे में। एक स्कैम आजकल बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से यार लोगों की आइडिया स्कैम हो रही है, बैन हो रही है। तो मैं नहीं चाहता कि जिन जो मेरे सब्सक्राइबर है यार, उनकी आईडी यार यहाँ पर बैन वैन या फिर मतलब स्कैम हो जाए। ठीक है, तो आजकल यहाँ पर चल क्या रहा है कि जो फ्री फायर इंडिया है वो लॉन्च होने वाला था लेकिन पोस्टपोन कर दिया, तो उसकी वजह से काफ़ी हैकर्स ने इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को बोले जाके अपनी लॉगिन्स यहाँ पर डाल दो, मतलब अपना आईडी पासवर्ड डाल दो, उससे तुमको फ्री फायर इंडिया खेलने को मिल जाएगा। एंड काफ़ी भोले वाले बच्चे क्या होते हैं, उनको पता नहीं होता ये सब चीज़ें। ठीक है, कि स्कैम भी होता है, उनको लगता है कि फ्री फायर का ऑफिशियल वेबसाइट है, जाते अपनी आईडी डालते हैं और उनकी आईडी जो होता आती है स्कैम। ठीक है, एंड स्कैम होने के बाद मेरे को इतने मैसेज आते हैं, भाई मेरी आईडी स्कैम कर ली यार, अब हम लोग क्या करें। तो काफ़ी बंदों की आईडी जो स्कैम हुई थी उनको मैंने यहाँ पर मतलब ठीक से उनका रिकवर कर लिया, मतलब कुछ आईडी वगैरह प्रूफ वगैरह लगता है उसके लिए, तो मैंने कर तो दिया, लेकिन सारे बंदों की नहीं कर सकता। इसलिए मैं वीडियो बना के आपको ये चीज़ अलर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को अपनी आईडी जो होता वो कहीं पर भी लॉगिन नहीं करनी है। एंड एक और स्कैम जो चल रहा है कि मेरा नाम कहीं काफ़ी बंदे ना फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हैं और जाके बोल रहे हैं कि आप मेरे को पैसे दो, मैं आपकी आईडी अनबैन करूंगा। तो मैं आपको बोल दूं कि मैं आपसे कभी एक रुपये नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज तक ना मांगा है ना मांगूंगा, मेरा काम है वीडियो बनाना। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट करना, मैं आप लोगों से कभी पैसे नहीं मांगता। जो बंदा मांगता है उसको गाली देके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि यार मैं कभी भी आपसे मांगने वाला नहीं हूँ। एंड जो बंदा मांगता है वो भी गाइस आपके साथ स्कैम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो लोग आपकी आईडी अनबैन करा देंगे, वो लोग भी स्कैमर्स होते हैं, तो आप लोगों को इनसे अलर्ट होकर रखना है। क्योंकि आपकी जो आईडी बैन हुई है ना, उसको खुद गहिना ही अनबैन कर सकती है और कोई भी बंदा नहीं करा सकता। हो सकता है सपोर्ट वगैरह कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाके कुछ फाइल वगैरह डाल के वो लोग अनबैन करा दे, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप लोग को इस चीज़ से अलर्ट रहना है, ठीक है। एंड जो आप लोगों ने प्री रजिस्टर किया है ना फ्री फायर इंडिया के अंदर, उसको आप लोग को प्री रजिस्टर रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, तो मतलब स्टे ट्यून्ड, आप लोग को बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड जब भी फ्री फायर इंडिया आएगा मैं आप लोग को उसके बारे में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी चलो यार, यहाँ पर एक चीज़ में मेरे को बहुत घटिया लगता है कि काफ़ी बंदे मेरे को बोलते हैं कि तुम हैकर्स का सपोर्ट करते हो। तो भाई मैं हैकर्स का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो बंदे ने खुद से हैक बनाया है, खुद से हैक इंस्टॉल किया है, गेम को अनफेयर करते हैं, उनको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, मैं उन बंदों का सपोर्ट करता हूँ जो किसी यूट्यूबर के बातों पर आ गए कि भाई ये एंटी बैन लगा हुआ है, इसे आप लोग रैंक पुश कर सकते हो। काफ़ी बंदों को उकसाया गया है कि हैक यूज़ करो, तो वो लोग हैकर्स नहीं है, ठीक है, वो लोग हैक यूज़र है। जो बंदा बना के देता है ना, वो होता है असली हैकर, ठीक है। तो उसने अगर आईडी पे अपने हैक यूज किया तो उसकी आईडी कभी अनबैन नहीं होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। लेकिन जो बंदा किसी और के बातों पे आ गया तो उसको एक चांस जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसने एक बार गलती की है तो फ्री फायर इंडिया जब एक नया शुरुआत हो रहा है तो सबको एक नया शुरुआत करने का मौका मिलना चाहिए। एंड मैं ये नहीं चाहता कि जो बंदे की लेवल कम है, जैसे कि 10-20 लेवल है, उनकी आईडी को अनबैन कर दो। नहीं, जिनकी आईडी का लेवल 50 है 60 है, जिन बंदों ने अपनी आईडी पे मेहनत किया, आप लोग खुद सोचो, कोई बंदा सुबह 4 बजे उठ के मिशंस कंप्लीट करता है, ठीक है, मेहनत करता है, बंडल्स निकालता है, रिवॉर्ड्स उसको मिलता है, फ्री फायर का रिडीम कोड रिडीम करता है, इतने सारे चीज़ें रहती है, ठीक है, इतने सारे मेमोरीज रहते हैं उस आईडी के अंदर, और कहीं ना एक झटके में बैन कर दे तो उसको कैसा फील होगा, ठीक है। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ हैक यूज़ करने पे, ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आके मेरे को बोलते हैं कि भैया मेरा यहाँ पर पिंग इश्यू हो रहा था, इसलिए मैंने VPN यूज़ कर लिया कुछ वीडियो देखने के बाद, या फिर मैंने गेम बूस्टर का यूज़ कर लिया क्योंकि मेरा गेम लैग कर रहा था, तो उसकी वजह से गहिना ने बैन कर दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है? गहिना का हैक डिटेक्शन सिस्टम ना बहुत घटिया है, ठीक है। तो जिन बंदों की ये छोटी मोटी गलती है उनको तो गहिना मतलब फाइनली अनबैन करेगी, ठीक है, लेकिन जिन बंदों से गलती हुई है उनको एक चांस, वन चांस तो सबको मिलना चाहिए। एंड देखो,
आजकल होता है ऐसा ना कि काफ़ी यूट्यूबर जो है इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं लेकिन बोलते हैं कि ये गैना का रूल है। भाई रूल ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, रूल जो है वो चेंज भी हो सकता है। गवर्नमेंट अपना रूल चेंज कर सकती है, ये लोग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट मौका दे सकती है, ये लोग नहीं दे सकते। तो सबको मौका दे सकते हैं ये लोग, बस आप लोग को ऐसे ही कहते हैं हम लोग जो ट्रेंड चलाए ले इसको आप लोग को फुल सपोर्ट करना है, क्योंकि अभी के टाइम पर फ्री फायर की जितनी भी आइडिया, फ्री फायर इंडिया के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफर होने के टाइम पर जितनी भी आइडियाज़ है, मतलब जितनी भी आइडियाज़ है, सबको यहाँ पर गैना अनबैन कर दे। अभी एक चीज आप लोग मेरे को खुद बताओ कि जब आपकी आईडी यहां पर बैन हुई थी तो आप जब यहां पर सपोर्ट सिस्टम में गए थे तो गरीना ने आप लोग को सपोर्ट किया था, मतलब आप लोगों से चैट किया, आप लोगों ने मेल सबमिट किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन वो लोगों का कुछ रिस्पांस ही नहीं आता। तो एक अच्छी कंपनी का फर्ज होता है कि आप लोगों को कुछ भी हुआ हो, ठीक है, तो अच्छे से एक मतलब चैट सपोर्ट सिस्टम रखना चाहिए जहां पर लोगों को बोलना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हुआ, ठीक है, जाकि वो लोग को कंफर्म तो हो कि भाई, काफी लोगों को पता ही नहीं होता, विदाउट रीजन भी उनकी आईडी को बैन कर देते हैं। भाई उसने अपने अकाउंट के अंदर पैसे लगाए, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं है कि जो तुम लोगों ने एक बारी में ही यहाँ पर बैन कर दिया, ठीक है। अगर आईडी बैन भी करते हो ना तो जितने भी पैसे उसने लगाए, जितनी भी उसकी मेहनत की है, उसका कॉम्पेंसेशन उसको मिलना चाहिए, ठीक है यार, ताकि वो अपना एक नया आईडी बना सके। लेकिन नहीं, एक बारी में आईडी बैन कर देंगे भाई, मतलब यार ये कोई कहीं का लॉजिक हुआ, खुद बताओ आप लोग कि भाई हम लोग इतना पैसा लगाते हैं, ये पूरा इलीगल नहीं लगता आपको कि इतना कोई बंदा मेहनत करता है, पैसे लगाता है, एक बारी में गाइस गई ना यहाँ पर बैन। अगर आईडी बैन भी कर रहे हो तो जो भी पैसे उसने लगाए अपने आईडी के अंदर, वो सारे पैसे उसको वापस लाओ, ठीक है, उसको वापस करो, उसको जितने भी पैसे लगाए, जितनी भी उसने मेहनत की है, ताकि वो अपना एक नया आईडी बना के एक नया शुरुआत कर सके। लेकिन नहीं, पूरा आईडी पूरा एक तरीके से बैन कर दिया, ठीक है। एंड आप लोग यार इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट करते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बंदे का मेरे को मैसेज आया जिसकी आईडी 75 लेवल की थी, ठीक है, उसने बस थर्ड पार्टी यहाँ पर गेम बूस्टर का यूज़ किया, उसकी आईडी बैन कर दी। सोचो उसको कितना झटका लगा हुआ कि सालों से खेला, 4 साल 5 साल से कोई बंदा गेम खेला, इतना जुड़ा हुआ है गैना से, ठीक है, और अचानक से गैना ही उसकी दुश्मन हो गई, वही अचानक से उसकी आईडी को बैन कर दिया बस एक गेम बूस्टर का यूज़ करने पर, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग को जस्टिस आप लोग को दिला के रहूँगा, क्योंकि यार अगर आप लोग यार इस चीज़ के ऊपर सपोर्ट करोगे ना तो आप लोग को जस्टिस जरूर मिलेगा, वरना हमेशा गैना आपका उल्लू काटती रहेगी, हमेशा आप लोगों को आईडी बैन किया, कभी हमारे से कुछ स्कैम कर दिया, कभी रिडीम कोड पे स्कैम कर दिया, लाइव वॉचिंग पे स्कैम कर दिया, इवेंट्स में हम लोग को सिर्फ डायमंड वाले इवेंट देते, ठीक है, तो ऐसा हमेशा होता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को हम मेरी जो वीडियो है इसको आप लोग शेयर करना, एंड जितना भी सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, मैं आप लोग को जरूर बोलता रहूँगा कि आप लोग ये करते रहो, आपकी आईडी आपकी मेहनत है, ठीक है, एंड आपकी मेहनत को कोई भी ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोग की आईडी जो है वो जरूर से अनबैन होगी, बस आप लोग ये ट्रेंड चलाते रहो, ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे किसको पता नहीं, ठीक है, सबको पता है कि लेट्स वोट फॉर ओल्ड आईडी अनबैन चल रहा है, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है, जो बंदों की आईडी को गैना ने बैन करके रखा, वो बहुत कट्टर ऑडियंस है, ठीक है, उनको बहुत इमोशनल डैमेज पड़ा है, क्योंकि वो लोग यार मतलब होता है ना कि एक जख्म खाया हुआ शेर बन चुके हैं, ठीक है, वो लोग हर जगह जाके कमेंट करेंगे, क्योंकि यार उनको अपनी आईडी वापस चाहिए, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए आप लोग को हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा, बदले में आप लोग भी आज मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि यार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी बंदों को इसके बारे में पता भी चल रहा है कि हम लोग जो ट्रेंड चला रहे हैं इसके बारे में पता चल रहा है, और वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी टेलीग्राम पर आ जाओ, टेलीग्राम से काफ़ी जगह मैं स्पैम वगैरह कराता हूँ, ठीक है, एंड आप लोग की आईडी अनबैन कराने में मैं आप लोग की पूरी मदद करूँगा। 16 तारीख कहा जा रहा है कि आप लोग का जो फ्री फायर इंडिया है ना वो आ सकता है, ठीक है, चांसेस है, क्योंकि अभी G20 सबमिट चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट और हो सकता है, अभी देखते हैं, कंफर्म डेट जैसे आएगी मैं आप लोग को बताता रहूंगा, एंड जो भी अपडेट्स वगैरह आते हैं ना मैं आप लोग को मतलब इस चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देखते रहना, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।